उसको रिप्लेस करना। ओके एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, चेक कर लो। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया हो इस तरह का, 3 sin x + 4 cos x, ये इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। ठीक है, देखो इस फॉर्म के आने का ना चांस नहीं है कोई बोर्ड में, मतलब बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है सब जगह ऑलमोस्ट, तो और ये एनसीईआरटी भी कहती है कि क्वेश्चन है नहीं इसमें। ठीक है, मिशिता में डाउट ले रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुको बस, फिर भी मैंने आपको सिखा दिया, स्टूडेंट आगे कभी यूज करना हो तो यूज कर सकते हो। मिशिता में डाउट लूंगा अभी, एक मिनट रुको बस। तो मैं आपको आज बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और थोड़ी सी इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, ये बेसिकली एक एलजेब्रा का टॉपिक है। यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड इसको एलजेब्रा में अलग से पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड इसको सीधा मतलब इंटीग्रेशन में सिखाता है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.5 है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पहले समझो जरा फटाफट से। जैसे मैंने कहा 1/2 × 3, यानी ये 1/6 है। ठीक है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यस और नो में जवाब दे देना कोई भी, 1/2 + 1/3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नो नो, है ना, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/6 आ रहा है, इनफैक्ट ये 1/6 था, तो नहीं लिख सकते। सिमिलरली मैं आपसे पूछूंगा 1/x और 1/x + 1 को मुझे ब्रेक करना है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 1/x + 1/x + 1, तो आप बोलोगे नो। चेक करोगे आपको एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, अगर सेम आया तो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते, तो ये सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये साइन चेंज करके ना यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस कर दूं, अब आप चेक करो, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम लेके देखोगे ना वापस ये रिवाइंड होके यही आ जाएगा। तो अब ऐसे कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, या यहाँ पे कोई 2 नंबर तो नहीं आएगा, यहाँ पे कोई 5 नंबर तो नहीं आएगा, हमें इन दोनों को बेसिकली ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। तो ये जो ब्रेक करते हैं, ये जो फ्रैक्शंस बनते हैं, वो इसी के पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं, इस वाली मेन फ्रैक्शन के ये 2 हमारे पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे जैसे 1 के डिवाइड में मैंने आपको सपोज कुछ लीनियर ब्रैकेट दे दिए, जैसे x + a, x + b, x + c। मैंने कहा भी मुझे तीनों को ब्रेक करके दो, तो आपने लिख दिया 1/x + a, फिर आपने लिख दिया दूसरा वाला +1/x + b, फिर आपने लिख दिया 1/x + c। लेकिन आपको मालूम है कि जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो 1 ऊपर आ रहे हैं इनके प्लेस पे शायद कुछ नंबर्स होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव भी होंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाली पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर a ले लिया, इसको b ले लिया और इसको c ले लिया, या आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की आज हम फर्स्ट फॉर्म सीखते हैं। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म होगी ये वाली। ठीक है, तो आपको मैं क्या करूंगा, ऐसे एक फ्रैक्शन दे दूंगा और आपको उसमें ऐसे ब्रेक करना होगा। अब आप सुनो क्या करना है, पहले आप ये नोट कर लो, ये टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन है, ये टाइप 1 है। मैं आपको इसमें 3-4 टाइप सिखाऊंगा, आप ये नोट कर लो तो मुझे बता देना, एबीसी कैसे निकलेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। नोटेड सर। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ एक लॉन्ग मेथड जो एनसीईआरटी कहती है, फिर आपको बताऊंगा मेरा वाला मेथड जिसमें आप 1 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, x/(x+1, x+2), मैंने कहा इसको मुझे ब्रेक करके दिखाओ। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है भाई, x+1 एक अलग फ्रैक्शन ले लेते हैं, इसके ऊपर a ले लेते हैं, प्लस x+2 दे लेते हैं दूसरी फ्रैक्शन, इसके ऊपर हमने b ले लिया। ये जो मेथड बताऊंगा ये एनसीईआरटी वाला मेथड होगा। तो एनसीईआरटी कहती है जी पहले आप एक काम करो, एलसीएम ले लो इसका, तो a के साथ आ जाएगा एलसीएम लेके x+2 और b के साथ आ जाएगा x+1। और देखो एलसीएम लेंगे ना जब, तो ये दोनों एलसीएम जब लेंगे तो वो सामने वाले एलसीएम से यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने ना एलसीएम शो नहीं किया है। आपको आएगी बात समझ में, मैंने कैसे लिखी है वाली इक्वेशन 1? यस सर। है ना, राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे ना, तो वो एलसीएम से इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ax+2a + bx + b। उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, x कॉमन लेकर x के कोफिशिएंट इकट्ठा कर देते हैं और ये कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे ये 2a + b। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब दोनों साइड पे कंपेयरिंग करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर होगा कोफिशिएंट ऑफ x से, तो a + b = 1,
कॉन्स्टेंट टर्म 2a प्लस बी कंपेयर होगी कॉन्स्टेंट टर्म जीरो से, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो नहीं है, खाली x का कोफिशियंट है। फिर दो इक्वेशन में नहीं, इसको माइनस कर देते हैं, देखो b से b कैंसिल, माइनस a इक्वल टू वन हो गया, तो देखो a की वैल्यू माइनस वन आ गई। फिर a की वैल्यू माइनस वन आप यहाँ रख लोगे तो b की वैल्यू आप चेक कर लो, ये टू आ जाएगी। अभी बताओ ये a और b क्लियर है कैसे निकाले हैं मैंने? Yes, sir. ठीक है ना, अब देखो आपकी जो ये पार्शियल फ्रैक्शन थी ना, ये देखो कैसे बन गई, ये x अपॉन x प्लस वन और x प्लस टू इज इक्वल टू, a आया माइनस वन तो माइनस वन के डिवाइड में आएगा x प्लस टू, b आया टू तो टू के डिवाइड में आएगा x, सॉरी ये x प्लस वन है, ये माइनस वन के डिवाइड में x प्लस वन और टू के डिवाइड में x प्लस टू। अब कोई चेक करना चाहे तो कर सकता है, जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वापिस ये आ जाएगा। तो ये जो हमने अप्लाई किया पूरा एलजेब्रा था, इसको बोलते हैं हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियली दो फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, ये पहली और ये दूसरी, और ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे माइनस वन एंड टू। पहले आप ये नोट करो, फिर मैं आपको अपना मेथड सिखाता हूं। एक्चुअली एनसीईआरटी का भी आना चाहिए ना, वो अलग बात है कि आप इसे कभी यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो मैं बताऊंगा वो काफी आसान लगेगा। अब देखो इसी को दोबारा से करते हैं, ए हमारा आया था माइनस वन और बी आया था टू, ठीक है। अब आप ये देखो वापस यही क्वेश्चन, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, अब हमने ले लिया इसको ए अपॉन एक्स प्लस वन एंड बी अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अब आप यहां पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग a इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप a की वैल्यू, कोई आपको सारा कैलकुलेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। a के डिवाइड में आप देख रहे हो x प्लस वन लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया रफ में या मन में अपने x प्लस वन को जीरो से इक्वेट किया, x की वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक है। जो a के नीचे डिवाइड में ब्रैकेट था उसको रखा जीरो के इक्वल। सामने वाली जो ये फ्रैक्शन है, जो गिवन फ्रैक्शन है, इसमें जितने x हैं सबको माइनस वन पुट कर दो, बस एक ब्रैकेट को छोड़ देना। आप बताओ कौन सा ब्रैकेट में छोड़ने के लिए बोलने वाला हूं, क्यों मैं क्यों बना करूंगा इसमें मत पुट करना माइनस वन, जीरो हो जाएगा नीचे, जीरो हो जाएगा है ना। तो इसलिए आप क्या करो, एक्स की वैल्यू माइनस वन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सब जगह पुट कर दो, बस इस वाले ब्रैकेट को छोड़ देना, वरना तो नॉट डिफेंड आ जाएगी वैल्यू। देखो पुट करते हैं, ऊपर आया माइनस वन, यहाँ तो पुट करनी नहीं है, यहाँ पुट कर दो माइनस वन, तो टू माइनस वन वन, ये लो जी ए की वैल्यू माइनस वन आ गई। और देखो हमारे इस मेथड से भी ए की वैल्यू माइनस वन आई थी। अब आते हैं बी के लिए, अब देखो बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए हम माइनस टू पुट कर देंगे सब जगह, बताओ कहां पुट नहीं करेंगे माइनस टू, एक्स प्लस टू में, बस इसमें एक्स प्लस टू में, तो बाकी जगह पुट कर लो, ऊपर माइनस टू और नीचे देखो आएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये लो बी की वैल्यू आ गई आपकी टू आ गई, ये लो जी निकल गई। टीचर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, और ये 100% एप्लीकेबल है आप एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे। तो देखो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो गई ना, अब ये x अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन x प्लस वन, हमने कितने छोटे में काम कर लिया, और आपको यही करना है, आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी नहीं बहुत सारा। क्लियर है बताएं या मैं फिर से रिपीट करूं ये प्रोसेस? क्लियर है। अब आप मेरे को ना एक पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके बताएं। So can you repeat it once? Sure, Mishita. मैंने क्या बताया, जैसे ना a के डिवाइड में x प्लस वन है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप मन में या कहीं रफ पेपर ले लो, x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करो। देखो मैंने यहाँ पे किया तो x की वैल्यू आई यहाँ से आपकी माइनस वन आ गई, ठीक है। x की वैल्यू माइनस वन आप सामने वाले राइट हैंड साइड में पूरी पुट कर दो, यहाँ पे ना राइट हैंड साइड में x की वैल्यू माइनस वन पुट कर दो, बस एक ब्रैकेट को छोड़ देना। कॉमन सेंस से देखो आप यहाँ नहीं पुट कर सकते माइनस वन, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो इस ब्रैकेट को छोड़ दो, बाकी जितने x हैं सबको माइनस वन पुट कर दो। तो देखो ऊपर आया माइनस वन, नीचे आया टू माइनस वन प्लस वन, ए की वैल्यू बन गई माइनस वन, डायरेक्ट बन गई। बी निकालना है तो x की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, सब जगह पुट करना, बस इस ब्रैकेट को छोड़ देना x प्लस टू वाले ब्रैकेट को, बाकी जगह पुट कर दो, पुट कर दी तो बी की वैल्यू टू आ गई। सर वैसे लॉजिक से कैसे जस्टिफाइड है? एक्चुअली क्या होता है, ये देखो ये इसी क्वेश्चन से निकलता है, ये जो था ना हमारा ये वाली जो कहां गया, ये जो हमने डीए किया था ना लास्ट वाला, ये
ये स्टेप जो किया था, ये आदि शर्मा जी इसको ऐसे सॉल्व करवाते हैं, वो कहते हैं इस इक्वेशन में एक बार x को पुट कर दो माइनस वन, भाई हम कुछ ही पुट कर सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये इक्वल हैं, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम x को माइनस वन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन, ये पार्ट जीरो हो जाता है और a निकल आता है। तो मैंने आपको क्या बोला, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेके क्यों दिखाना, वही पुट कर दो डायरेक्टली। ओके सर, है ना, अगर ये इक्वल है तो हर वैल्यू के लिए इक्वल होगा। एक अब आप मुझे ना एक पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके दिखाओ फटाफट से, 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, x प्लस टू, x माइनस थ्री, और ये मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, ये मैं आपको इंटीग्रेशन में दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा वैसे हमारा, आज कौन सा क्वेश्चन नंबर चलाना है आज, 120 Yes, sir. चलो 120 कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, चलो कोई नहीं तुषार 120 मान लो। अब आपने क्या किया, देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आ गया, इसकी पहचान यही होती है, आपको नीचे ना कुछ ब्रैकेट नजर आएंगे, आप समझ जाओगे क्वेश्चन हमारे सामने पार्शियल फ्रैक्शन ला के दिया गया है। तो जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ना आपको, आप ऐसे स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन, सिर्फ इंटीग्रेंड को उतारोगे, 2x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, b अपॉन x प्लस 2 और c अपॉन x माइनस 3। आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप, उसके बाद आपको यहां लिखना है ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन या सिर्फ ऑन सॉल्विंग। अब फटाफट से जरा एबीसी निकाल दो, सर हम सब्जेक्टिव में भी ये कर सकते हैं ऑन सॉल्विंग वाला, 100% कर सकते हैं मिशिता, बेफिकर होके कर दो ना, बेफिकर मेरी फुल गारंटी है। एक ही वैल्यू बताओ कोई बच्चा फटाफट से, -1/6 भाई चेक करते रहना, x को वैसे 1 पुट किया होगा ना, 1/3 × -2 करेक्ट, ए की वैल्यू -1/6। बी बताओ, -1/ बी की वैल्यू -1/3 है ना, यस सर। सी बताओ, सी 1/2 यहाँ पे रखेंगे ऊपर आएगा 5, यहाँ पे रखेंगे 3 - 1 = 2 1/2 करेक्ट, चेक कर लो भाई, देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए, फटाफट से एबीसी निकल आए। अगर किसी को डाउट है तो भाई पूछ लेना, देखो अब इंटीग्रेशन वापस आते हैं। अब आप पे देखो जो इंटीग्रेशन था ना वो तो हट जाएगा क्योंकि वो ब्रेक हो गया तीन पार्ट में, तो आपके ना ये तीन इंटीग्रेशन आ जाएंगे। देखो एक और आपको सीधा -1/6 / 1/x - 1 एक इंटीग्रेशन पहला ये बन गया, ये वाला बी रखो सीधा -1/3 और ये बन गया आपका दूसरा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सी रखो 1/2 इनको सीधा बाहर रखते जाओ एबीसी को और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3, ठीक है। अब मेरे को बता दो ये इंटीग्रेशन के प्रिमिटिव्स क्या क्या होते हैं, बड़े आसान है, लॉग सबके सब लॉग में आ गए। देखो तो ये आपका लो जी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर आता है बोर्ड में तो, और ये आपका पहला आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, -1/6 log x - 1, फिर -1/3 log x + 2 और लास्ट प्रिमिटिव है +1/2 log x - 3 और लास्ट में प्लस सी। ये लो जी क्वेश्चन सॉल्व। आई रिपीट, एबीसी वैल्यूज आपकी सीबीएसई के ब्लूप्रिंट से मैच होनी चाहिए। एक एडवाइस और दूंगा, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करोगे तो जो पहला ब्रैकेट है आप पहले उसे ही लिखना और उसके ऊपर हमेशा ए लेना, दूसरा ब्रैकेट एक्स प्लस टू है फिर आप उसे लिखना उसके ऊपर बी लेना, मतलब शफल मत करना अपनी तरफ से और ना ही एबीसी के अलावा कोई ऑर्डर यूज करना। कुछ बच्चे ऐसे एलिमेंट यूज कर लेते हैं, देखो गलत नहीं है,
आप चाहो तो इनको शफल कर लो, ए ले लो एक्स प्लस टू के ऊपर, बी ले लो एक्स माइनस थ्री के ऊपर, और सी ले लो एक्स माइनस वन के ऊपर, दिक्कत नहीं है। लेकिन टीचर को कॉपी चेक करने में आपकी बहुत दिक्कत आएगी। जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट उनके पास होता है उसमें बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जो ये ब्रैकेट दिए होते हैं ना, इसी सीक्वेंस में पार्शियल फ्रैक्शन लिए जाते हैं, तो उनको कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं आती। बस वो आपकी एबीसी की वैल्यूज को अपनी एबीसी की वैल्यू से मैच कर लेंगे। जो आपने एबीसी निकाला पहले देखेंगे आपके पार्शियल फ्रैक्शन उनके पार्शियल फ्रैक्शन मैच हो रहे हैं, फिर वो अपने एबीसी और आपके एबीसी चेक करेंगे और उसके बाद ये टिक लगा देंगे फटाफट से। उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे एज ए टीचर मुझे बहुत दिक्कत आती है, बच्चे कई बार शफल कर लेते हैं, ए ले लेंगे एक्स प्लस टू के ऊपर, सी ले लेंगे एक्स माइनस वन के ऊपर, तो मैं देखूंगा मेरा ए क्या है और उनका सी क्या है, उसे मैच करूंगा फिर मैं, तो मुझे परेशानी आएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। चलो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म बताता हूँ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 121, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री। सिंपल बिल्कुल। सर ए वन बाय फाइव। अरे वाह, बड़ी निकाल दिया आपने, देख लेते चलो एक बार। सर मैं तो थ्री बाय फाइव आया है। भाई देखो ये गलत मुझे करना पड़ा। वन बाय फाइव। वन बाय फाइव। तो बड़ा आसान काम है भाई, देखो एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, तो माइनस वन ऊपर रखा, यहाँ रखो माइनस वन, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, तो वन बाय फाइव हो गई ना एक ही वैल्यू। अब बी निकाल लो ऐसे। यस सर सॉरी, मैंने बी नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्या वैल्यू आ रही है बी की शुभम? नॉट डिफाइंड आ रही है। नहीं नहीं, तो आपने 3 बाय 2 यहां पुट कर दिया होगा। हाँ सर। उसको छोड़ दो ना, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बी 3 बाय 5 है सर। 3 बाय 5 पे चेक करें, एक्स की वैल्यू पुट की होगी आपने 3 बाय 2। यस सर 3 बाय 5 आ रहा है। 3 बाय 2 ओके, मैं पर चेक कर लेता हूं। 3 बाय 2 प्लस 1 तो 3 by 2 upon 3 by, sorry, 5 by 2, ठीक कह रहे हो। B की value 3 by 5 है, भाई सब लोग चेक कर लेना है, और B की value गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। क्वेश्चन पूरा हाथ से चला जाएगा, अटेम्प्ट करने का 0.5 मिलेगा सिर्फ। आ जाओ इंटीग्रेशन वापस, फिर तो बचा ही क्या है। ये लो 1 by 5 1 अपॉन एक्स प्लस वन, पहला इंटीग्रेशन 3 बाय 5 भार, दूसरा 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 3। दोनों के प्रिमिटिव्स बोल दो भाई ध्यान से जरा। वन बाय फाइव लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस वन, ठीक है। दूसरा प्लस 3 बाय 10। 3 बाय 10 क्यों, 3 बाय 5 है ये तो सर, 2 भी लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x। बस मुझे यही पूछना था कि शुभम ने तो भाई बात गौर की कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, वो डिवाइड में आएगा। आप सब लोग इस बात को मत भूल जाना, इसका 0.5 लेस हो जाता है, कई बार एक नंबर भी लेस कर देते हैं। तो 3 बाय 5 तो ठीक है भाई, वो तो है ही कॉन्स्टेंट, तो आपने इसका log x कर दिया है, लेकिन यहाँ 5 के साथ डिवाइड में 2 भी शो करना है, जिसको आप डायरेक्ट 3 बाय 10 भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड होता है क्योंकि ये आपका आंसर हो गया। देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन आसान है, और हम जो एबीसी निकाल रहे हैं तरीके से, तो और भी आसान हो गया हमारे लिए। और बच्चों के डिफिकल्ट टाइप होती है, लेकिन आपके लिए काफी आसान हो गया। डन, मैं आगे चलूं? यस सर। यस सर। ओके, अब आप मुझे एक और करके देखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। 5x अपॉन x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये x square minus 1 का क्या करने वाले हो? x plus 1 minus। हाँ सर, दो वैल्यू निकाल। बिल्कुल सही, इसके दो फैक्टर बना लो, फिर आपके तीन पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। मतलब डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, देखो सॉल्यूशन में वो तो अंडरस्टूड है भाई, x square minus 1 के दो फैक्टर कर लिए हमने।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ना एक फर्क आ जाता है, कोई बच्चा लिखेगा x माइनस वन x प्लस वन, कोई लिखेगा x प्लस वन x माइनस वन, तो यहाँ कोई आपकी चॉइस है। हाँ पहला यही रहने देना, लेकिन तो जैसे पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करोगे ना तो a अपॉन x प्लस फोर, तो सब लोग एक काम करो मेरे जैसा ले लो ताकि सबको आंसर चेक करने में दिक्कत ना आए, b के नीचे सब लोग x प्लस वन ले लेना फिलहाल अभी, बाकी एग्जाम में आपकी चॉइस होगी। ए सर माइनस फोर बाय थ्री आ रहा है। ए माइनस फोर बाय थ्री, ठीक है। बी निकालो, सारे निकाल लो एबीसी, फिर तो बस आंसर लिखना रह जाएगा उसके बाद। बी फाइव बाय सिक्स, बी फाइव बाय सिक्स आ रहा है, बाकी लोग चेक करके बताओ। यस सर सेम, यस सर फाइव बाय सिक्स, ठीक है। बस सी निकालो जल्दी से, वन बाय टू, वन बाय टू। एक काम कर, मुझे एक बार सारे बोल दो फटाफट से। ए कितना बताया था आपने सर? वन माइनस फोर बाय थ्री, माइनस फोर बाय थ्री। बी फाइव बाय सिक्स, ठीक है। एंड सी इज वन बाय टू। भाई सब लोग चेक कर लें एक बार, अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो, बोल दिया करो, किसी को नहीं आ रहा सही में तो। चलो आंसर बोल देते हैं, लिखते भी नहीं। देखो पहला आंसर माइनस फोर बाय थ्री लॉग एक्स प्लस फोर, दूसरा फाइव बाय सिक्स लॉग एक्स प्लस वन, तीसरा वन बाय टू लॉग एक्स माइनस वन, लास्ट में सी, दैट्स ऑल। क्लियर? यस सर, यस सर। अब टाइप टू पे आते हैं भाई, ठीक है। टाइप वन में सिंपल सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, अब टाइप टू क्या है वो सुनो। टाइप टू में जैसे मान लो वन अपॉन, एक ब्रैकेट तो लीनियर ही है, चलो ठीक है अभी भी लीनियर था, दूसरा ब्रैकेट भी एक्स प्लस बी है, लेकिन इसके ऊपर सपोज करो पावर एन आ जाती है। यहाँ पे एन थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, फोर हो सकता है, कितनी पावर हो सकती है। सीबीएसई बोर्ड ने स्क्वायर से ऊपर देने के लिए मना किया हुआ है, तो सीबीएसई बोर्ड आपको मैक्सिमम स्क्वायर देगा, लेकिन मैं आपको बेसिक तो बताऊंगा भाई। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो a अपॉन x प्लस a ले लो, इसका काम हो गया अपना। अब देखो ये जैसे n पावर वाला पार्शियल फ्रैक्शन है ना, तो इसके इतने ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे जितनी इसकी पावर है, मतलब इसी ब्रैकेट के टोटल n पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे। देखो कैसे आएंगे, पहला आया b1 सपोज करो, उसके नीचे आया x प्लस b, फिर आया b2, उसके नीचे क्या आया x प्लस b का होल स्क्वायर आया, फिर आया b3, उसके नीचे क्या आया x प्लस बी का होल क्यूब आया, एंड सो ऑन। और लास्ट वाला सपोज करो बी एन आया, जिसके नीचे x प्लस बी टू दी पावर n आया। ये मेन कॉन्सेप्ट ही होता है, n पावर कुछ भी ले जा सकती है, स्क्वायर क्यूब फोर, एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग स्क्वायर से ऊपर वो आपको देंगे। क्यूब हुआ करता था बहुत पहले, हटा दिया वो भी इन्होंने, तो आप ही नोट कर लो बेसिक, बाकी हम इसको क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर से। डन? Yes, sir. Okay, note कर लो, कोई नहीं। Yes, sir, noted. ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो इसका बड़ा आसान है, हमारे लिए काफी आसान रहेगा। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 था ना पिछला, कौन सा था, 122, 123 ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है जी, इंटीग्रेट करना है 3x plus 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है जी, ये इंटीग्रेट करना है। आपने देख लिया, अच्छा नीचे ब्रैकेट दिए हुए हैं, स्क्वायर वाला भी है, सिंपल वाला भी है, आप समझ गए क्वेश्चन जी, पार्शियल फ्रैक्शन से आ गया सामने, स्टार्ट कर दिया आपने। तो थ्री एक्स प्लस, हम एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन नहीं लिख सकते, वो एक ही बात होगी। अगर आप इसको एक्स माइनस वन दो लिखोगे ना, तो भी ये इसी टाइप टू में माना जाएगा। आप ऐसे कह रहे हो ना, इसको दो बार लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे कह रहे हो। Yes. हाँ, तो भी ना ये टाइप टू का पार्शियल फ्रैक्शन माना जाएगा, वरना मैं आपको टाइप टू बताता ही ना। अगर ऐसी बात होती ना, तो मैं आपको खुद ही कहता कि होल स्क्वायर होल क्यूब आएगा, तो उतने पार्शियल फ्रैक्शन बना के टाइप वन का लगा देना, लेकिन इससे आंसर मैच नहीं करेगा फिर, है ना। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख लो, लेकिन एक्चुअल में वो होल स्क्वायर ही माना जाएगा, तो मैं इसको होल स्क्वायर ही लिखता हूँ।
चलो जी पहला पार्शियल फ्रैक्शन बोलो, अपनी मर्जी से बोल दो, कोई एक बच्चा बोल दो, क्योंकि तीन बच्चे बोलते हैं क्लास में, निशिता, गौरिका, तनिषा और शुभम, तो भाई आप में से कोई बच्चा बोल दो। a over x plus 1 a upon, अच्छा मतलब आप पहले a के नीचे x plus 1 लेना चाहते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। b upon x minus 1 c upon x minus 1 whole square, right। अगर आप इस फॉर्मेट से लोगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका जो कॉपी है बहुत जल्दी चेक हो जाएगी, टीचर को काफी आसानी रहेगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ऐसे ही देता है ब्लूप्रिंट टीचर को। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं, पहला काम मैं आपको ही बोलूंगा a की वैल्यू मेरे को डायरेक्ट बोल दो, चलो a की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट बोल दो क्या आ रही है। -1/2 अब बताओ जब आप x को 1 पुट करोगे तो b निकलेगा या c निकलेगा, क्योंकि दोनों का फैक्टर x माइनस 1 है, कोई अंदाजा लगा सकते हो? तो फिर वो इक्वल होंगे b और c? नहीं इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो उससे b नहीं निकलेगा, उससे c निकलेगा, मतलब हायर पावर वाला निकलेगा। चलो एक काम करो c तो निकालो, मैं बताऊंगा फिर b के लिए क्या करना है। C निकालो, आप x को 1 पुट करो, सामने जाओ या 1 पुट करो, एक ब्रैकेट में निकाल सकते पहले 4 b 1 पुट करने से ही निकलेगा, b निकलेगा लेकिन 1 पुट करने से ही निकलेगा। ये बताता हूं देखो आपको, c 4 आ रहा है क्या सर? हां बोलो सर, a की वैल्यू तो -1/4 आ रही है ना, x plus 1 करके करेंगे तो। चलो आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे, ठीक है मैं आपको चेक करवाता हूं। x की वैल्यू -1 आपने यहां रखनी है पहले तो ऊपर, -3 + 5 तो ये हो गया -3 + 5 2 हो गया, फिर x की वैल्यू -1 आपने नीचे रखनी है x माइनस वन के होल स्क्वायर में, -1 - 1 - 2 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो वैल्यू 1/2 तो आएगी a की वैल्यू। चेक करो सर, जैसे हम पहले वाली जो आपने फॉर्म कराई थी उसके अंदर हाँ। मैं a + b + c की जो नीचे वैल्यू होती थी उसमें पुट करके देखता था हाँ, तो वैसे तो वो तो कर रहे हैं, x की वैल्यू इस ब्रैकेट से निकालोगे ना x + 1 से, तो x की वैल्यू -1 आ रही है। अब आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू -1 सामने पुट करनी है बस। हाँ, एक मैंने b को नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको अलग पुट करा और c के नीचे स्क्वायर वाला करा है। तो आप तो बताओ a के नीचे क्या है, पहले ये बताओ x + 1। तो मेरा भी वही है, फिर अलग क्यों आ रहा है आपका? नहीं मैंने जो b के नीचे x माइनस वन है उसके अंदर एक बार -1 पुट करा, फिर c के नीचे जो x माइनस वन का होल स्क्वायर वहां पे पुट करा। नहीं यहाँ पुट नहीं करना आपको, तो सीधा सीधा a निकालने के लिए यहाँ आना है सीधा, आपको a चाहिए ना, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करनी है, इनमें से कहीं पुट नहीं करनी है आपको, राइट हैंड साइड पे नहीं जाना, आप सीधे लेफ्ट हैंड साइड पे आओ अपनी और वहां पुट करो x की वैल्यू। ओके सर, है ना, आप देखो c निकालना है तो x की वैल्यू 1 पुट करनी है, इसमें से कहीं पुट नहीं करनी, सीधा सामने पुट करनी है, तो यहाँ पुट कर रहे हैं 3 + 5 = 8 हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ तो पुट करोगे नहीं 1 - 0 बन जाएगा, तो 1 + 1 = 2 हो गया, इसलिए c की वैल्यू 4 आ गई। अब फंस गया जी हमारा b, क्योंकि अगर आप फिर से x को 1 पुट करोगे तो फिर से c निकलेगा, b नहीं निकलेगा। अब b के लिए क्या करना है, आप x की कोई आसान सी वैल्यू मेरे को चूज करके बोलो, कोई भी वैल्यू जो सबसे आसान हो, 1 मत बोलना, -1 मत बोलना क्योंकि ऑलरेडी यूज कर चुके, ठीक है आपने कर 0 है ना, तो 0 ले लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन में, 3 × 0 = 0, 0 + 5 = 5 डिवाइडेड बाय 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 और 0 + 1 = 1, तो ये तो हो गया 5/1। राइट हैंड साइड में भी जितने x हैं सबको 0 पुट कर देना। देखो तो मैं यहां से शुरू करूंगा a से, a/x + 1, a की वैल्यू तो चलो हाफ है ना, 0 + 1 = 1 हो गया। b, b मेरे को पता नहीं लेकिन यहां मैंने जब 0 पुट किया तो ये b के नीचे आया -1। c मेरे को पता है 4 है, नीचे मैंने यहां पे 0 पुट किया तो ये -1 का स्क्वायर 1 आया, यहां से मेरे को b की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, 5 - 1/2 - 4 = -b, कितना हो गया, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1/2 गए 1/2, तो ये लो जी मेरी b की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -1/2।
ये मेरी बी की वैल्यू आ रही है। बोलो आपको ये बात सही में आती है? यस सर। यस सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब होल स्क्वायर वाले आएंगे ना, ध्यान रखो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप उसकी निकालोगे जिसके नीचे होल स्क्वायर है, बी नहीं निकलेगा तो सी निकलेगा, ए निकलेगा, बी फंसेगा। और बी को निकालने के लिए फिर क्या करो, जब ए और सी निकाल लोगे उसके बाद बी निकालो, एक्स की कोई अपने आप आसान सी वैल्यू ले लो और वो पुट करके दिखा भी दो टीचर को, देखो जी हमने जीरो पुट किया है उससे हमारा बी आ गया। अच्छा मान लो कोई एक्स को फाइव पुट कर ले, तो मान लो कोई एक्स को फाइव पुट कर ले तो उसका आंसर यस बी, उसका अभी भी माइनस वन बाई टू ही आएगा। आप चाहे अगले क्वेश्चन में रैंडम सब लोग अलग अलग ट्राई करके देख लो। इतना सही है लेकिन अगर हम x को 1 पुट करते मतलब b के नीचे से तो हमें b की वैल्यू 4 आ जाती। नहीं आती बेटा, वो तो बताऊं जो 4 कह रहा हूं ना वो c की वैल्यू। मैं आपको बताऊं क्यों हो रहा है ऐसा, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि b नहीं आएगा, मैं ये रब करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये डाउट आप क्लियर कर लो ना कि b निकलेगा ही नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, जो एक्चुअल स्टेप है जिसको हम स्किप मानते हैं, पहले इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम तो यही आएगा सेम लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो वो एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाता है, तो इक्वेशन ये बच जाती है। देखो 3x plus 5 इधर a के साथ आ जाता है, x minus 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने की बात की बात है ये, b के साथ क्या क्या आता है, एक x plus 1 आता है और एक x minus 1 आता है, और c के साथ आता है एलसीएम लेने के बाद x plus 1। बताओ आपको ये वाला स्टेप क्लियर है जो लिखा है मैंने ये? yes, sir. है ना। अब आप सोचो अगर आप x को 1 पुट करोगे तो आपका देखो ए वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, बी वाला पार्ट भी देखो वन पुट करने से जीरो हो जाएगा, सी निकल आएगा। अगर आप एक्स को वन पुट करोगे तो देखो सी निकल आया, फिर आप जब एक्स को माइनस वन पुट करोगे तो इस बार सी जीरो हो जाएगा और बी जीरो हो जाएगा, तो आपका फिर इसका मतलब ए आ जाएगा जब आप एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे। तो बी तो देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर के साथ आ गया, वन पुट किया तो भी ये जीरो बन गया, माइनस वन पुट किया तो भी ये जीरो बन गया, तो कौन निकले, ए और सी निकले, बी तो निकला ही नहीं इसका मतलब। ओके सर, तो जो स्क्वायर है वो जिस पे स्क्वायर है वो निकल, वो निकलेगा आपका डायरेक्ट मेथड से। उसके बाद जो बीच वाला फंसेगा ना, बी फंसेगा, उसके लिए मैक्स की कोई आसान सी वैल्यू चूज करेंगे और वो पुट कर लेंगे। चलो अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो सर। तो नॉर्मल एनसीईआरटी वाले मेथड से भी हम ऐसे ही करते हैं, जिसमें भी फिर हमारा बी नहीं निकल पाता। नहीं निकल पाता, वो तो क्या करते हैं वो इक्वेशंस बनाते हैं, पता है इसमें कितनी इक्वेशन बनाएंगे, वो आप आंसर देगा कोई एग्जांपल देखना सॉल्व, वो इसमें तीन इक्वेशन बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे और फिर कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, वो तीन इक्वेशंस को सॉल्व के फिर लिखेंगे ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस ए बी सी आर है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो वी कैन टेक एनी वैल्यू फॉर एक्स और इट इज लाइक वी कैन टेक वन आल्सो। Like here it is x minus 1. In this example, just take x is equals to any other value except these two, because already we have used this value. If we put x is equals to 1, so again now we get the value of c. So it is recommended while we are finding b, to just change the value. The values which you have used, don't use it again. Like humne minus 1 use kar liya aur 1 use kar liya. So don't use these values, except these two values, 1 and minus 1. You may take any value of x if you are finding b. अच्छा अभी मैं देखो इंटीग्रेशन वापस आ रहा हूँ, इंटीग्रेशन का सॉल्व थोड़ी हुआ है कोई अभी। तो पहला इंटीग्रेशन आपको दिखाना है, ए की वैल्यू पुट करनी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का दिखा दिया, बी की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, इसका इंटीग्रेशन आपने दिखा दिया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और देखो जी सी की वैल्यू आपकी 4 आई थी, तो 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। चलो जी अब आंसर लिखना शुरू करते हैं, हाफ लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, फिर से माइनस हाफ लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1, ये मुझे तीसरा वाला इंटीग्रेशन किसी को आता है तो जरा बता दो भाई, माइनस 4 अपॉन, बिल्कुल करेक्ट, एक्स माइनस 1 प्लस, यस ये आप इंटीग्रेशन याद रखना भाई आगे भी काम आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगाया हमने, माइनस 1 अपॉन एक्स लगा तो दिया, लेकिन हर इंटीग्रेशन में एक्स का कोफिशियंट चेक करते रहा करो हमेशा, पहले इंटीग्रेशन में एक्स का कोफिशियंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में भी 1 है और तीसरे में भी 1 है तो हमें कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन अगर होगा तो डिवाइड करना भूल मत जाना। तो वो होल में होगा ना, मतलब हाँ, होल डिवाइड, यस मतलब उसी के पार्ट में होगा, जैसे यहाँ पे 2x plus 1 होता मान लो, तो वो इसी के साथ यहाँ पे 1 upon 2 आ जाता इस वाले प्रिमिटिव के साथ। यस यस। चलो जी अब आप एक क्वेश्चन मुझे फटाफट से करके दिखाओ सेम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 124, ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर
x plus 2. ये देखो जरा ट्राई करो फटाफट से. A3 और C तो निकाल ही लो, फिर B देख लेंगे. चलो C1/3. ओके सर, मेरा भी C1 आ रहा है. का चेक करो फिर एक बार, दो बच्चे क्योंकि ठीक बता रहे हैं. हाँ, यस यस, वन यार. ध्यान से करना है, एबीसी गलत मत करना, क्योंकि अगर आपका देखो सी रॉन्ग हुआ ना तो फिर बी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा आगे जाकर. यस सर, सी वन आ रहा है क्या? यस सर. एक बार तो ये चेक कर लो भाई, आपने एबीसी ऐसी ली है ना, जरा एक बार तो ये चेक कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू. तो मैं ऐसे ले रहा हूँ भाई, आप मेरा भी देख लेना फिर अपना मैच कर लेना. ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. ऐसे लिया है ना सबने? यस यस. ठीक है चलो, तो एक बार जरा ए फिर से बताओ, ए कितना आ रहा था अभी? थ्री. टू या थ्री, कुछ समझ नहीं आया. थ्री. और सी आपने बताया वन. वन. चलो अब बी के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? जीरो. नहीं गर्व, गलत नहीं होगा. आप अगर ए के नीचे एक्स प्लस वन नहीं ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, तो आपकी मर्जी है. आप ए के नीचे एक्स प्लस वन ले सकते हो, ये बिल्कुल आपकी चॉइस होती है. बस होगा क्या, जैसे जो आपका बी निकलेगा और सॉरी जो मेरा बी निकलेगा और जो आपका ही निकलेगा वो मैच होगा आपस में, तो वो टर्म्स इधर उधर हो जाएंगी. बाकी बात तो एक ही है. b-2 क्या लिया वैसे आपने एक्स को? जीरो. जीरो ही लिया है. अच्छा चलो, हाँ जीरो, क्योंकि आसान रहता है कैलकुलेशन करने में. तो चलो यहाँ दिखा देते हैं ना, एक्स को जीरो पुट करके दिखा भी देते हैं ये लोग. जीरो जीरो यहाँ वन बचा, यहाँ जीरो प्लस वन वन हो गया और जीरो प्लस टू टू हो गया. तो एल एच एस तो आ रही है 1/2. यहाँ ए को 3 पुट किया, एक्स को 0 पुट किया, तो ये बन गया 3/2. बी तो पता नहीं हमें, और बी के नीचे जब 0 रखा तो बी अपॉन 1 हो गया. और सी हमारा 1 है, यहाँ पे 0 रखा ये भी 1 हो गया. तो 1/2 -1 -3/2 = b हो गया. एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 1 - 2 - 3, तो बी हो गया आपका -2 है ना? यस सर. हाँ बी -2 आ रहा है. बस अब टाइम कितना लगेगा आपको, सिर्फ अब इंटीग्रेशन शो करने हैं 3 और उसके बाद 3 नीचे आंसर लिखने हैं, दैट्स ऑल. अब फटाफट से इंटीग्रेशन लिखो और आंसर भी लिख दो, अब क्या बचा इसमें. Done. बाकी लोग बता दो, हो गया सबका? Yes. तो आंसर तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं. चलो चेक करो, 3 log x plus 2 minus 2 log x plus 1 और minus 1 upon x plus 1. Yes. है ना, यही है ना, देख लो एक बार सब लोग. 3 log x plus 2
माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन. डन सर. लास्ट वाला होता ना, लास्ट में देखो ना, जब आप सी की वैल्यू वन पुट करोगे तो आपका ये इंटीग्रेशन ऐसे बन जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. ये ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन. इसमें कौन सा लगाएंगे हम फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाला मान लो इसे, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, सीधा ही लिख देंगे बस. तो बट दो तो लॉग में आ जाएंगे और एक आपका माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो गया. डन. ठीक है जी, अब आप आ जाओ टाइप थ्री. समझो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप थ्री. अब टाइप थ्री में क्या है जी नया, टाइप थ्री में देखो जी ये है, मान लेते हैं एक ब्रैकेट तो है आपके पास लीनियर. चलो लीनियर तो आपके साथ आ ही रहा है इसका मतलब शुरू से. अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया, मतलब एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आया, अंदर एक एक्स स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक बन गया एक तरह से ये. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं पहले ये समझो. लीनियर के लिए सबसे पहले a अपॉन एक्स प्लस बी ए, और जो ब्रैकेट आपका एक्स स्क्वायर वाला ब्रैकेट है जिसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, तो उसमें खाली b नहीं लेना है आपको ऊपर, उसमें लेना है आपको एक लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी. इस तरह से एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, जैसे नीचे यहाँ पे डिग्री एक्स प्लस ए में डिग्री वन है, एक्स की पावर वन डिग्री वन है, तो ऊपर एक डिग्री लेस करो यानी एक्स टू दी पावर जीरो का कोफिशियंट लो तो ए लिया. इसमें जो है एक्स के ऊपर पावर टू है तो डिग्री टू हो गई, और अगर डिग्री टू हो गई तो ऊपर आएगी एक लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी. ये आपकी टाइप थ्री हो गई. ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एबीसी में थोड़ा सा वक्त हमें लगता है, फिर भी कंपैरेटिवली टू एनसीईआरटी में बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. आप नोट करो तो मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस, आई हैड नेट इश्यू. Not visible, Mishita. Repeat, please. What are you saying? No, sir. Your voice broke from my end. So can you please repeat this? Sure. Third form is type 3. मतलब ये type 3 ना मैं बना रहा हूँ. ऐसे नहीं कि NCERT में लिखा मिलेगा. Type 3 according to me is 1 over x plus a. एक bracket linear मिलेगा आपको. और दूसरे bracket में x square plus b. मतलब कोई x square के साथ कोई number होगा. तो first partial fraction you may take a upon x plus a. सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी वाला है वो खाली बी नहीं लेना है आपको ऊपर, वहां लेनी है लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी. है ना, एक डिग्री छोटा करके लेते हैं. चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं सो दैट यू मे हैव सम आइडिया कैसे निकालेंगे इस बार हम ए बी सी. एक एग्जाम्पल पिक कर दें. ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जांपल है. क्वेश्चन नंबर क्या लिखना है मेरे को, 126 125. देखो जी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड में है एक तो क्वेश्चन हो गया मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वन. देखो ये एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट हो गया एक, और एक हो गया लीनियर. स्टार्ट करते हैं. चलो तो पार्शियल फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस टू. आप मुझे पहला पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए. ए ओवर एक्स प्लस टू. ठीक है, दूसरा दूसरा बनेगा बस एक बार, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है जी, चलो ए निकाल के दिखाओ जल्दी से, ये तो आपको निकालना अच्छे से आता है. x की वैल्यू माइनस टू डाल देना सब जगह एक ब्रैकेट को छोड़कर. थ्री बाय फाइव. ओके, मैं चेक नहीं कर रहा हूं भाई आपकी, मैंने फाइनल मान ली है. चेक कर लो भी, बाकी लोग थ्री बाय फाइव होनी चाहिए भी, ये अलग नहीं हो सकती ना, यूनिक है, सबकी सेम आएगी. ए आ गया 3/5. मैं बी और सी स्टार्ट करूं. ओके, महेश का भी 3/5 ही आ रहा है.
तो बी और सी के लिए आप कहानी सुनो क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं, आप चेक कर लो। अब एक्स की आपके पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैं यहां से वैल्यू निकाल लूं एक्स की तो निकलेगी नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गई, आयोटा में चली जाएगी ये, तो है ना। तो आप बी और सी के लिए अब एक्स की कोई अपने मन से वैल्यू चूज करोगे, कोई आसान सी वैल्यू बोलो, आसान सी वैल्यू, और कोई वैल्यू है नहीं आपके पास, माइनस टू हम यूज कर चुके हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू बोलो आसान सी। जीरो, जीरो ले लेते हैं, चलो है ना, जीरो सबसे आसान होती है, चलो जीरो पुट करते हैं, अभी एक और लेनी पड़ेगी, दो लेनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो, ये जीरो, वन अपॉन ये जीरो, ये वन, और ये जीरो ये टू, ये तो वन अपॉन टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो और साथ साथ ए की वैल्यू थ्री बाय फाइव पुट कर दो, तो ये हो जाएगा थ्री बाय टेन, अब इधर आ जाओ, प्लस यहाँ पे एक्स को जीरो पुट कर दो तो बी वाला पार्ट जीरो हो गया, सी अपॉन जीरो प्लस वन वन, यहाँ से जरा सी निकाल के दिखाओ, सी तो आ गया, लो सी आ गया हाफ माइनस थ्री बाई टेन, टेन एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, फाइव माइनस थ्री टू बाई टेन, सी आ गया वन बाय फाइव, ये सी हो गया। कोई डाउट है तो बोलो भाई। नो सर। अच्छा अब कोई दूसरी वैल्यू बोलो, अभी तो बी निकल गया, अभी सी का निकला, अभी सॉरी बी फंसा हुआ है, हाँ वन ले लेते हैं, चलो ये भी आसान है काफी, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ, यहाँ पे पुट करते हैं, चलो वन, फाइनली सी की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, सॉरी बी के लिए, तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन, स्टार्ट करो, वन प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे आया थ्री, यहाँ वन प्लस वन टू, और वन प्लस टू थ्री, इधर आते हैं, ए की वैल्यू तो थ्री अपॉन फाइव ही है, और यहाँ पे एक्स को वन पुट करेंगे तो ये इंटू थ्री हो जाएगा, प्लस बी के साथ तो एक्स की वैल्यू वन हो गई, प्लस सी की वैल्यू वन बाय फाइव डिवाइडेड बाय वन प्लस वन टू, इसको सॉल्व करो फ्रैक्शन को जी, अपने आप जरा थ्री थ्री कैंसिल करो, थ्री थ्री कैंसिल करो, वन बाय टू माइनस वन बाय फाइव करो, इसको सॉल्व करो अपने आप, देखो जरा क्या आ रहा है, भी देखो कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करके मुझे बताओ, काफी तक सॉल्व कर दिया है मैंने, टू बाय फाइव, ओके सबका सेम आ रहा है जी, लॉक करें, सी लॉक करें, टू बाय फाइव ही आ रहा है, सॉरी बी, भाई बताओ किसी का निकला है तो, टू बाय फाइव का रमेश का बी, चलो तो मैं बी लॉक कर रहा हूँ भाई आपके अकॉर्डिंग, सब लोग कह रहे हो आप, मतलब जो भी लोग कह रहे हैं बी टू बाय फाइव आ रहा है, अरे कर्जर कहाँ गया मेरा, बी आ रहा है टू बाय फाइव, अभी देखो इंडिकेशन में आपको वापिस आना है, काम खत्म थोड़ी हुआ है, इंटीग्रेशन में वापस आते हैं, आगे चलो मैं इंटीग्रेशन में आए वापस, यस ठीक है, तो आपका पहला इंटीग्रेशन आएगा ए की वैल्यू पुट करने के बाद, और ए की वैल्यू थी हमारी थ्री बाय फाइव, तो उसको तो हम बाहर लिखेंगे, और इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए के नीचे क्या था जी, एक्स प्लस टू था, ठीक है ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया हमारा, दूसरा इंटीग्रल बी एक्स प्लस सी, बी टू बाय फाइव साथ में एक्स प्लस सी, सी कितना निकाला था हमने, सी है हमारा वन बाय फाइव, और इसके डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, हाँ अच्छा, अब पहले वाले प्रिमिटिव को लिख देते हैं डायरेक्टली, थ्री बाय फाइव के साथ लॉग एक्स प्लस टू, और अब देखो ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो टू बाय फाइव एक्स है ना पहला पार्ट, इसके नीचे बेस अलग करना है, कैसे देखो, टू बाय फाइव भाग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इस 1 बाय 5 के नीचे बेस अलग, 1 बाय 5 भार इसके नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग, ऐसे इसको आपने दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक करना है, तो ये लो अगले स्टेप में सारे आंसर एक साथ लिखने वाले हैं, देखो 3 बाय 5 लॉग एक्स प्लस 2, अच्छा मुझे बताओ ये ऊपर एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई करना, यस
इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, आप चेक करो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है 1 का 0, तो बस हमें 2 की कमी है, तो यहीं पे देखो कैसे दिखाओगे टीचर को, 2 मल्टीप्लाई दिखाओ, यहाँ पे 2 से डिवाइड दिखाओ, ये 2 से 2 कैंसिल करो और ये लो जी आंसर लिखो सीधा 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1। ये वही फॉर्म है जिसका नीचे का डेरिवेटिव जो ऊपर होता है dx के साथ, तो log में लिखते हैं आंसर। ये बता दो ये तीसरा कौन सा फॉर्मूला बना हुआ है, तीसरा इंटीग्रेशन कौन सा है? यस 1/x² + a² वाला इंटीग्रेशन, वो यहाँ लगा लेते हैं, ये होता है 1/a, a तो हमारा 1 है इसके अंदर, और tan इनवर्स x/a x/1 प्लस c, ये आंसर हो गया। बताइए जी। Yes, so this question comes for how much marks? ये 4 marks का वैसे आता था, अभी इसको आप 3 में कर लो आप। बाकी देखो अभी तक ना कोई CBSE का blueprint नहीं आया कि marking, क्योंकि 40 marks का paper होगा, तो 40 marks में कैसे कौन से question कितने marks के अभी तक कोई नहीं है। जनवरी में CBSE board अपना exam paper launch करने वाली है। Okay sir. है ना, तो पता चल जाएगा। Done, clear हुआ? तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की बेसिकली आपने 3 टाइप सीखी हैं। हाँ साहिल, मैं इसको ना क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लेफ्ट कर दो, मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देता हूँ, कुछ ना चार पांच क्वेश्चन ट्राई कर लेना भाई सब लोग। ये आप एक दो क्वेश्चन लिख लो भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, मेरा काम जल्दी आसान हो जाएगा। पहला है x² + 1 divided by 2x + 1 into x² - 1। एक ये ट्राई करना, अपना आप देखना पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है। फिर 127 में आप ले लो x / x² + 1 और x - 1, ये देखना कौन सी फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन की। एक ये ले लो 128। बस ये आप 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन के 3। मिशिता अपना मेरे को वो क्वेश्चन बोल दो आप जो कह रहे थे। यस सर, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1/a + b e to the power -cx। 1/a + b e to the power -cx। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो 1/a + b e to the power cx, मतलब पावर को नेगेटिव को नीचे लाके पॉजिटिव किया और एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दिया इसको। ये देखो ये ऊपर आ गया, यहाँ a के साथ आ गया ये। अब मुझे बताओ नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ऊपर नजर आ रहा है आपको? मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बस कुछ कांस्टेंट की कमी मैं पूरी कर लूं। एक तो इसमें देखो 1/a कर लेना, और बताओ और एक cb कर लेना, क्योंकि e to the power cx का cb तो आएगा। हाँ, है ना। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर रेडी है, आपको सीधा आंसर लिखना है लॉग में। पूछो और ये रहा sec x नीचे। अब एक काम करो इसका डेरिवेटिव पूरा जरा एक साथ बोलो, 3 sec x + 5 का। 3 sec x tan x। हाँ, तो ऊपर एक 3 की तो कमी है भाई, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो एक काम करो इसको 3 मल्टीप्लाई करो, 3 डिवाइड करो और सीधा आंसर लिखो 1/3 log 3 sec x + 5 + c। हो गया। ओके सर। भाई मैं जो 10-15 क्वेश्चन आप सबको दे रहा हूँ, सब लोग कर लो, एकदम से प्रेशर फील नहीं होगा, वरना प्रेशर फील करवाएगा इंटीग्रेशन।
इसको ना पीछे का टच करना बहुत जरूरी होता है, लगातार हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते चले जाते हैं लगातार, ठीक है जी। तो आप ये तीन क्वेश्चन प्लस वाले क्वेश्चन कर लेना, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके जी, जय हिंद। ओके जय हिंद।